मधुबन होटल में रुकी हुई हूँ, तो आपको मधुबन होटल का पहले सीन दिखा दूँ। ये आपको यहाँ पर मधुबन होटल दिख रहा होगा, होटल मधुबन, जिसका मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ पार्ट वन में। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर यहाँ पे सदा गंगा होटल है, जो शुद्ध नाश्ता एवं भोजन शादी विवाह पिकनिक के बस के बस बुकिंग भी किया जाता है। अभी मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं उनसे कहा कि ऑटो वगैरह की जाने की सुविधा कैसी, तो उनका ऑटो भी है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या जाना है। उन्होंने ऑटो भी मेरे लिए रिजर्व करवा दिया है। और यहाँ पे काफ़ी सस्ता खाना मिलता है, तो देख लीजिए एक बार। बहुत अच्छा और एकदम घर जैसा खाना मिलता है। बैठकर आराम से खाने की सुविधा है। ये देखिए किचन कितना साफ सफाई है। मैं जब से आई हूँ, जब से यही खाना खा रही हूँ। ये भैया वगैरह हैं, एकदम ताजा खाना है, सुबह का कोई खाना नहीं मिलता है तुरंत तुरंत। तो चलिए भैया से बात कीजिए, बताएंगे कैसा क्या रेट है। नमस्ते सर, मेरा नाम है रमेश कुमार दास, मैं सदा गंगा होटल का ऑनर हूँ। मेरा यहाँ पर आपका 25 में 4 कचौरी, 1 जलेबी, सब्जी सलाद के साथ नाश्ता फुल पेट, और दोपहर में आपका जाके भात दाल सब्जी चोखा चटनी पापड़ सलाद 35 रुपया में, चीप एंड बेस्ट, बहुत अच्छी खाना है। एक बार जो भी आएंगे मेरे यहाँ खा के वो तारीफ़ करेंगे, साफ़ सफाई से लेकर खाना तक का, मेरा स्टाफ से लेकर मेरा दुकान तक हम अपने से मेहनत से साफ़ सुथरा रखता हूँ, कस्टमर को सेवा करता हूँ, कस्टमर को अपना नाम से प्रचार करता हूँ, खाना का, मेरा व्यवहार का, मेरा खाना जो खाएंगे वो मेरा व्यवहार देख के ही समझ जाएंगे मेरा खाना भी कैसा, मेरा व्यवहार भी कैसा है। आइए, मेरा परिचय जरूर आइएगा मेरा यहाँ पर, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से। भैया धनबाद से है, धनबाद में ही बता रहे हैं, मेन रोड पे, जीटी रोड ना, जीटी दिल्ली कोलकाता हाईवे पे है, तो आप जरूर आइए भैया के होटल और खाइए खाना और मुझे बताइए कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।